शिवम नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दुर्गा सप्त शक्ति का जो 11वां अध्याय है, 12वां अध्याय है, 13वां अध्याय है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है और इन अध्यायों का पाठ करने से फल क्या मिलता है। देखिए, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं और हर अध्याय का अपना महत्व है। इस वीडियो में हम 11वां मतलब एकादश, 12वां मतलब द्वादश और त्रयोदश अध्याय के बारे में बात करेंगे। एकादश अध्याय में जो जिक्र है वो है देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान प्रदान किया जाना। तो भाई, इसको पढ़ने का या इसको पाठ करने का फल क्या मिलता है एकादश का? इस अध्याय का पाठ करना व्यापारियों के लिए शुभ होता है। इस अध्याय का पाठ करने से व्यापार में सफलता और सुख संपत्ति मिलती है। यदि आपके कारोबार में हानि हो रही है तो इस अध्याय का पाठ करना शुभ होता है। अगर पैसा नहीं रुकता है तो इस अध्याय का पाठ कीजिए। फिर द्वादश अध्याय, तो द्वादश अध्याय में देवी चरित्रों के पाठ का महत्व है। इसका फल ये मिलता है कि हमें मान सम्मान मिलता है। जो भी आदमी पाठ करता है तो मान सम्मान तथा लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता हो तो ये पाठ कीजिए, बहुत फल मिलेगा। फिर यह त्रयोदश अध्याय, 13वां अध्याय, सुरत और वैश्य को देवी का वरदान प्राप्त होता है। इसका क्या फल होता है? इस अध्याय का पाठ भक्ति मार्ग पर सफलता पाने के लिए किया जाता है और साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए यदि कोई ये पाठ करता है तो उसे सफलता मिलता है। तो मैंने एक एक करके अलग अलग वीडियो में मैंने आपको बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से लेकर 13वां तक जब हम पाठ करते हैं तो हर अध्याय का अपना एक महत्व है, हर का अपना एक सिग्निफिकेंस है, जो सिग्निफिकेंस होता है, और हर पाठ को करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।